हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। सबसे पहले हम मैटर देखेंगे। मैटर होता क्या है? एनीथिंग डेट हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। जिस किसी चीज़ के पास मास और वॉल्यूम रहेगा उसको हम मैटर कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। इसे हमने 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ये हम एक डायग्राम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस का। अब आप देख सकते हैं सॉलिड के एग्जांपल में आइस है और लिक्विड के एग्जांपल में वाटर है एंड गैस के एग्जांपल पे वेपर है। ठीक है, और इसके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे कि सॉलिड के कैसे हैं, लिक्विड के कैसे हैं और गैस के कैसे हैं। और हम बात करेंगे अब सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर वो होता है जिसके पास डेफिनेट शेप रहेगी और डेफिनेट ही वॉल्यूम रहेगा, और इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पैक्ड रहते हैं, और इसके जो मतलब मॉलिक्यूल्स रहते हैं उन्हें फ्रीडम नहीं होती है, मतलब कि वैसे वाइब्रेट कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं अपने एक्सिस पर रहकर, लेकिन लेकिन वो घूम फिर नहीं, मूव नहीं कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकल्स रहते हैं हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिगिड रहते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में इजी टू लर्न के बारे में बात करते हैं, कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। इसके बारे में हम फर्स्ट टॉपिक से लेकर 6 टॉपिक तक ये बहुत इजी है, इसे आप ध्यान से पढ़िए, जो मैंने आपको पहले बताया वो ही इसमें है। अब इसके सब एग्जांपल्स हैं कॉमन साल्ट यानी कि NaCl, आइस, मेटल, मरकरी को छोड़कर एंड वुड। सबसे पहले हम NaCl की बात करते हैं यानी कि कॉमन साल्ट। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल जो रहते हैं वो हार्ड रहते हैं एंड रिगिड रहते हैं, और ये किसकी फॉर्म में रहते हैं हमारे मेटल्स? हार्ड की फॉर्म में। लेकिन मरकरी जो रहता है वो फ्लूइडिटी यानी कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम इसे सॉलिड स्टेट में नहीं डालते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ये फिक्स वॉल्यूम में तो रहते हैं लेकिन नॉट अ फिक्स शेप। ओके, और इसके जो पैक्ड पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब थोड़े डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, और ये नॉन कंप्रेसिबल है और ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इजी टू लर्न, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका रहता है इसे याद करने का। और फिफ्थ है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स होता है लिक्विड, यानी कि लिक्विड मीन्स होता है फ्लूइडिटी। जो लिक्विड स्टेट में होता है फ्लूइडिटी होता है। इसके एग्जांपल्स हैं वेसल्स, वाटर, मिल्क, ऑयल्स, और मेटल में मरकरी को लेते हैं हम इसमें, और सम एग्जांपल्स। अब इसकी जो है फिक्स शेप क्यों नहीं रहती है? देखिए, पहले आई ग्लास लिक्विड, यानी कि लिक्विड मीन्स होता है फ्लूइडिटी। जो लिक्विड स्टेट में होता है फ्लूइडिटी होता है। इसके एग्जांपल्स हैं वेसल्स, वाटर, मिल्क, ऑयल्स, और मेटल में मरकरी को लेते हैं हम इसमें, और सम एग्जांपल्स। अब इसकी जो है फिक्स शेप क्यों नहीं रहती है? देखिए, पहले आई ग्लास में हमने पानी किया, फिर बाउल में पानी किया, अब हम वेसल में पानी कर रहे हैं, और इसके बाद हमने बकेट में पानी कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? इसकी जो शेप है वो बदलती जा रही है, इसलिए ये क्या होती है, नॉट फिक्स शेप में रहता है। अब हम बात करते हैं गैस की। इसमें क्या होता है, ये ना ही इसके नॉट फिक्स शेप रहती है और ना ही इसके फिक्स वॉल्यूम रहता है। इसके पार्टिकल्स भी बहुत दूर दूर रहते हैं, और ये हाईली कंप्रेसिबल है और मूवली भी हाईली है, और हाई फ्लूइडिटी कहते हैं इसे। ओके, बात करेंगे हम इजी टू लर्न के बारे में। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये कॉम्प्रेसिबल हाईली क्यों रहते हैं और मूव क्यों रहते हैं, और इसमें हाई फ्लूइडिटी क्यों रहती है। अब अगर मैं एक रूम में हूँ और मेरे हाथ में एक बॉटल है, उसमें मैंने नाइट्रोजन गैस ले रखी है, और उसे मैंने उसका ढक्कन खोल दिया इस बॉटल का, और नाइट्रोजन गैस जो है वो एकदम से कहीं कोने में पहुंच जाएगी, कोई पार्टिकल उस मतलब उस गैस का कहीं किस कोने में होगा, कहीं किस कोने में होगा, वो इतनी जल्दी रिएक्ट करेगी यानी कि मूव हाईली। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में, जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुकिंग गैस यानी कि LPG, और भी इसके एग्जांपल्स हैं। अपने कभी कंपनियां देखें, कंपनियों में जो बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं उसमें गैसेस कैसे लोड किए जाते हैं भारी मात्रा पे, इन्हीं कंटेनर्स में हम गैस लोड कर सकते हैं, और ये जो बड़े बड़े गैसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा गैस मतलब वो कर सकते हैं, कंटेन करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी LPG गैस यानी कि कुकिंग गैस। कुकिंग गैस में हम 1.5-2 महीने आराम से खींच लेते हैं, यानी कि वो हाईली कंप्रेसिबल रहती है, उसे हम कितने उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गैस रहती है, उसे हमने हाईली कंप्रेस करके इसमें डाल रखा है।
ये एक चार्ट है, इसे याद कर लीजिए, ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, एंड द लास्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू।